गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एट होम एंड डूइंग योर वर्क वेरी वेल एंड डूइंग योर वर्क एज आई डू विद यू. आज हम बुक के कुछ पेजेस करेंगे. आज हमने करना है सब्ट्रैक्शन वाले यूनिट का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. दैट इज हियर. मेरे साथ साथ रीड आउट करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे. ट्रीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. तो आप सबको ही पता है कि ट्रीज हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हमें फ्रूट्स देते हैं, क्रॉप्स देते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स भी मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें और मिलती हैं जो हमें विदाउट ट्रीज पॉसिबल ही नहीं है हमारी लाइफ. और हमारी लाइफ में लाइफ ही पॉसिबल नहीं है विदाउट ट्रीज. अर्थ पे लाइफ क्यों पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ ट्रीज ओनली. तो ट्रीज के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है. अब वो क्या क्या करते हैं? दे ब्यूटीफाई अवर सराउंडिंग्स. वे हमारे आसपास की चीज़ों को बहुत सुंदर बनाते हैं. दे मेक एयर फ्रेश एंड कूल. वो हमारी एयर को फ्रेश और कूल बनाते हैं. ऑन द वन वन महोत्सव ईच चाइल्ड ऑफ क्लास सेकेंड एंड थर्ड वॉज आस्क्ड टू ब्रिंग अ सैपलिंग फ्रूट. सेकेंड और थर्ड क्लास के बच्चों को वन महोत्सव वाले दिन सबको क्या कहा गया कि एक एक छोटा सा पौधा लेकर आओ. क्लास सेकेंड एंड क्लास थर्ड ब्रॉड वो क्या क्या लाए? 398 एंड 550 सैपलिंग्स रिस्पेक्टिवली. इतने इतने प्लांट्स लेकर आए. अब इनसे जुड़े क्वेश्चंस होंगे हमारे पास. ठीक है, लेट्स डू दैट. फर्स्ट वन इज विच क्लास ब्रॉट मोर सैपलिंग्स एंड हाउ मच मोर. क्या मतलब है? कौन सी क्लास ज़्यादा लाई और कितने ज़्यादा लाई? देखो अरे, तो कौन सी क्लास कितने लाई थी? सेकेंड क्लास लाई थी 398, थर्ड क्लास लाई थी 550. तो कौन सी क्लास ज़्यादा लाई? क्लास थर्ड. अब ज़्यादा कौन सी लाई थी, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट. जैसे मान लो आपने मम्मी के लिए बनाए 2 चपाती, आपकी बड़ी दीदी ने बनाई 1 चपाती. तो किसने ज़्यादा बनाई? आपने. और आपने कितनी ज़्यादा बनाई? 2 - 1, 1 ज़्यादा बनाई ना. तो ऐसे ही ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, एंड दैट इज़ 152. नेक्स्ट देखो, हाउ डू यू केयर फॉर द प्लांट्स एंड ट्रीज इन योर नेबरहुड एरिया. कई बार हमारे आसपास भी कुछ प्लांट्स होते हैं ना, जैसे पार्क में हो, टेम्पल में हो, या हमारे घर के आसपास और बहुत बड़े बड़े बरगद के पेड़ भी होते हैं. कई लोगों ने बाहर क्यारियों में लगा रखे होते हैं, लेकिन कई कोई घर ऐसे बंद होते हैं जिनमें बाहर वो प्लांट्स को पानी देने नहीं आते, या कई प्लांट्स गवर्नमेंट ने लगा रखे होते हैं, है ना. तो अब उनका ध्यान हम कैसे रख सकते हैं? बाय वाटरिंग देम, कि हम उन पौधों को समय पर पानी दे दें. अब हाउ डू यू सेलिब्रेट द वन महोत्सव डे इन योर स्कूल. आप वन महोत्सव डे कैसे मनाते हैं अपने स्कूल में? बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर प्लांट्स. आपको और ज़्यादा प्लांट्स लगाकर वन महोत्सव डे अपने स्कूल में मनाना चाहिए. अब हमारी फोर्थ यूनिट चल रही है बेटा, सब्ट्रैक्शन. आप इस वैल्यू बेस के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस नोटबुक, स्कूल की फेयर नोटबुक नहीं बेटा, किसी भी और रफ नोटबुक में, प्रैक्टिस नोटबुक में मम्मा से या पापा से किसी से भी कहेंगे आपको वो 8 sums. कितने सम्स बेटा? 8 सब्ट्रैक्शन के देंगे और आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. जैसे मैंने पहले कहा था ना, टेबल्स लिखिए, आप टेबल्स लर्न कीजिए, वैसे ही अब प्लस और माइनस के सम्स की भी प्रैक्टिस करनी है आपको. आप चाहे 4 sums कर लीजिए, बट कंसंट्रेशन से कीजिए और ध्यान से कीजिए कि आपकी कोई मिस्टेक नहीं हो. अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है कि नहीं मुझे भी सम समझ में नहीं आ रहा, देन गिव मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सअप, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी. ओके, टुडेज वर्क इज ओनली वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ऑफ आवर बुक पेज नंबर 50. बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है. ओके बेटा, बाय बाय, कल मिलते हैं फिर.